ओशो के निकट जो सर्वाधिक निकट रहे। अब सर्वाधिक निकट में चैतन्य कीर्ति नहीं है, ये मैं पहले बता दूं। हाँ चैतन्य बोलो, चैतन्य नहीं है वो, तो साला किताबें छापता था, पैसे मिलते थे उसे, क्या पता है। ओशो के सर्वाधिक निकट जो सन्यासी रहे हैं शीला, वो जो कह सकती है डोंट किल हिम, तो चैतन्य नाराज हो जाएंगे। लेकिन वो सही कह रही है कि तुम उनको भगवान बना के मार रहे हो, वो ऐसे नहीं थे, वो भी सहज थे, उन्हें क्रोध आता था, भूख लगती थी, सेक्स करते थे। शीला कह सकती है बात क्योंकि निकट थी। योग चिन्ह में कह सकते हैं कि ओशो ध्यान करने जाने से पहले खांसते थे पहले 15 मिनट तक, कि उन्हें वहां स्टेज पे खांसी ना आ जाए। बिल्कुल निकट वाले, ये बिल्कुल निकट वाले जो हैं वो लोग ये बात कह सकते हैं कि कुंडलनी जागरण होता हो ना होता, ओशो ने हमें कह दिया इसलिए प्रेम है, हम मान लेते हैं। मैंने पूछा था एक बार, वो स्वामी जी थे आनंद स्वभाव, मैंने कहा था स्वामी जी आपकी कुंडली जगी, दूसरों को ध्यान करवाते हो? बोले नहीं जगी। बोले फिर प्रचार क्यों करते हो जब नहीं जगी? बोले हमें लेना देना नहीं जगती कि नहीं जगती, हमें ओशो ने कह दिया, ओशो से प्रेम है, हम दूसरों तक पहुंचा रहे हैं, हमें प्रेम का मजा आ रहा, हम कई जन्मों में इसका मजा लेना चाहेंगे, हम अपना बस उसी मजे में मजे ले रहे हैं। अब ये बेहतर बात है, लेकिन जिनको कोर कमेटी का पता नहीं, जो बिल्कुल ओशो के निकट नहीं रहे, वो सब मादरचोद यही कहेंगे कि कुंडली जागरण होता है, क्योंकि उससे धंधा चल रहा है ना, ढोंग से धंधा चल रहा है। स्वामी आनंद अरुण के बारे में क्या आपका कहना? अरे वो तो गजब का आदमी। हाँ आज तुम उसकी भी बजवा लो। संग फूंकने की जरूरत नहीं है, हमने फूंक दिया। आनंद अरुण जो है, पता नहीं किस बात का प्रचार कर रहा, मुझे समझ में नहीं आ रहा। मैंने सुना है कि आनंद अरुण से ओशो अपना अधूरा काम पूरा करवा रहे हैं, ऐसा आनंद अरुण कहते हैं। अब ओशो कौन सा अधूरा काम छोड़ गए ये आज तक नहीं बताया उन्होंने। ओशो कौन सा अधूरा काम छोड़ गए जिसको आनंद अरुण पूरा कर रहे हैं। अभी नया नया बवाल शुरू हुआ है, मैंने कुछ मित्रों से सुना है कि ऑनलाइन शक्तिपात भी शुरू कर दिया है। डिजिटल? हाँ डिजिटल शक्तिपात, वर्चुअल। हाँ वर्चुअल डिजिटल शक्तिपात शुरू हो गया है। तो वो पहले तो हाथ से छू के करते थे, तो जिसको छू लेते तो उसको शक्तिपात हो जाता था। शक्तिपात की क्या परिभाषा पता है आप लोगों को? शक्तिपात की क्या क्या शक्तिपात है? शक्तिपात एक तरीके से ये है कि हमने अपनी शक्तियां आपको दे दी, हमने अपनी शक्तियां आपको दे दी, यह है शक्तिपात। और शक्तिपात जिसको कर दिया जाता है, अगर वास्तव में शक्तिपात हुआ है तो उसके अंदर आपके ही गुण आ जाएंगे, आपके आध्यात्मिक गुण आ जाएंगे। रामकृष्ण परमहंस अगर भाव कर सकते हैं कि मेरी आस से विवेकानंद को मिल जाएं, नरेंद्र को मिल जाएं शक्तियां, तो नरेंद्र अगले दिन भाव कर सकता है कि फला व्यक्ति जो मूर्ति पूजा करता है सब समुद्र में फेंक दे। और रामकृष्ण की अगर पूरी होगी तो विवेकानंद की भी पूरी होगी, लेकिन फिर विवेकानंद की गलतियों से रामकृष्ण कह सकते हैं जो भाव दिया था वो वापिस भी ले सकते हैं। तो पहली बात तो यह है कि अगर
अरुण शक्तिपात करते हैं तो क्या शक्तिपात में फिर अरुण ने जितनों को शक्तिपात किया सबके अंदर ये क्षमता आ गई कि वो सब शक्तिपात कर सकते हैं? मैं कुछ बोले? हाँ बोले। संन्यास चल रहा था, कैंप अटेंड करने गया था मैं, तो बड़ा नाम सुना था उसे, तो उससे पहले सुना था आरती उतारी जाती है जी उसे। खैर जब तक टेक्स्ट को प्रमाण की जरूरत नहीं है तो वो प्रमाण लेने के लिए ही एक चांस मिला जाने का, पहुंचा वहाँ, देखा पहले दिन सेशन शुरू हुआ, बहुत आश्रम बहुत बढ़िया बना रखा है, एक मृत शैया भी बन रखी है। जी मैं गया हुआ हूँ, मैं आश्रम में गया हूँ एक बार, लेकिन वहाँ होटल जैसा व्यवहार हुआ तो मैं रुका नहीं था वहाँ। आनंद अरुण जी की अपनी एक मृत शैया बनी हुई है, बनी और बाकायदा वहाँ पर बोधि ट्री लगा रखा है और बाकायदा उसको बुद्धा फील्ड कहा जाता है प्रॉपर, समझता हूँ। यहाँ पहले दिन शाम के टाइम है, वाइट रोग से पहले म्यूजिक बजता है, ओम जय जगदीश हरे, वहाँ ओम जय जगदीश हरे नहीं ओशो हरे, और थालियाँ घुमाई जा रही। मेरे साथ जो स्वामी जी थे उनका स्वामी जी अभी आई आइए, मैं नहीं आना पड़ेगा, मैं कह स्वामी जी प्लीज दिल नहीं मारे, अरे चलिए। उन्होंने गए अपनी आरती करी, उसके बाद आनंद अरुण बोलना शुरू हुए। कम्यून ऊना के बहुत विरोधी हैं, ऊना को बहुत टारगेट करते हैं, इंडिया को बहुत टारगेट करते हैं, नेपाल में ये लगा लो आप कि वहाँ पर सबसे पहले जो बोला जाता है जय अरुण स्वामी जय ओशो। देखिए उसका एक रीज़न मैं बहुत स्पष्ट, हमें थोड़ा मनोविज्ञान पे काम करना चाहिए, किसी भी चीज़ का बहुत जवाब तो मनोविज्ञान दे देता है। नेपाल में, नेपाल हिंदू राष्ट्र है, दुनिया का एकमात्र हिंदू राष्ट्र है नेपाल, और नेपाल दूसरे अर्थों में बौद्ध राष्ट्र भी है क्योंकि वहाँ पे बुद्ध भी बहुत माने जाते हैं, लड़का नेपाल का बैठा हुआ है, तो नेपाल में भी खूब गया हूँ, तो नेपाल में लोग सीधे साधे। नेपाल के लोगों में अगर अपना काम करना है या वहाँ लोगों के बीच में धर्म का धंधा फैलाना है तो बिना पूजा पाठ के और बिना बुद्ध की अनुमति के फैल ही नहीं सकता, और वही उन्होंने किया है। अब अरुण जी की एक और बात बता देते हैं, वो भी जरा आपको नहीं पता होंगी, आपको ये तो पता है वहाँ मृत्यु शैया है, आपको ये पता है कि उनके पास ओशो की अस्थियाँ भी हैं, मुझे किसी ने बताया, मेरे एक मित्र हैं आते थे मेरे पास कनाडा से, उन्हें इतनी बड़ी अस्थि दिखाई गई कि ये अस्थि है, अस्थियां बहुत हैं उनके पास ओशो की, तो लोगों से कहते हैं ये अस्थि ले जाओ और अपने कनाडा में एक आश्रम बनाओ और वहाँ पे एक ओशो की समाधि बना लेना, वहाँ ये अस्थि रख दे। आप समझे, मतलब ओशो ने ऐसे अपराध किए कि उन्हें अस्थियाँ अस्थि विसर्जन भी ना करो, है ना। तो इस तरीके के ढोंग किए जाना, पूजा पाठ करना, शक्तिपात की बात करना, शक्तिपात पे मेरा जोर है, मैं और फिलॉसफी पे नहीं जाऊंगा, और तो सब धंधे के तरीके हैं, लेकिन शक्तिपात की बात कह रहा हूं। क्या अरुण जी आप अपने कुछ ऐसे मित्रों का जिन्हों आपने शक्तिपात किया और फिर वो सबको शक्तिपात कर सकते हो, ऐसे हो तो सामने लाइए, बात खत्म हो जाती है, और कुछ इसमें लंबा चौड़ा है ही नहीं कहने का। अपना अनुभव बताता हूँ, मुझे संन्यास की जब आखिरी दिन संन्यास दिया जा रहा था। अच्छा वहाँ अरुण क्या, अरुण क्या वहाँ भी लिया आपने संन्यास? नहीं नहीं, नहीं। अच्छा मेरा माँ धर्मशिला से 2004 का, तो मैं जब वो शक्तिपात दे रहे थे संन्यासियों को, बुलाए रहे थे, बाकायदा नाम दे रहे थे, सर्टिफिकेट दे रहे थे, माला डाल रहे थे, फिर सब एक लाइन से बैठ गए, शक्तिपात देना शुरू किया, वही ड्रामे शुरू, मैं ड्रामा ही कहूँगा। हाँ बिल्कुल ड्रामा ही होता है वो, ये ड्रामा शुरू, जैसे माता आती है, चलो वो होता रहा चलता रहा, एक पे शुरू हुए, उसको शक्तिपात दिया, वो नीचे गिर गया,
जैसे जीसस क्राइस्ट के लिए अल्लाह हालेलुया वो वाला है। हाँ, उसके बाद मेरा अचानक से दिल हुआ कि मैं क्या कि मैंने कि मैं भी लूंगा छुट्टी का, देखता हूँ। मैं बैठ गया लाइन में, आखिरी नंबर मेरा आया। नहीं, मेरे बाद में दो और भी थी सन्यासी बैठी, तो मुझे कहा आपने सन्यास लिया हो? मैंने कहा जी, मुझे अरुण पूछते सन्यास है आपका? मैंने कहा मुझे छुट्टी पा रही है, मेरे यहाँ अंग कुछ नहीं, नथिंग। देखिए सुनिए, आप ये मैं एक मिनट नहीं सुनूंगा, मैं इसलिए नहीं सुनूंगा क्योंकि मुझे इसकी कोई ज़रूरत नहीं है और यहाँ भी उसका कोई किसी को ज़रूरत नहीं, सबको पता है। लेकिन अगर यही बात आप अभी जाके उनके बीच कहेंगे ना कि शक्तिपात में कुछ नहीं था, तो वो कहेंगे इसके लिए भी भाव की ज़रूरत होती है, आपका भाव ही नहीं था। ये सब बातें बहुत कही जा सकती हैं, लेकिन मैं जो कह रहा हूँ वो रियलिस्टिक बात कह रहा हूँ। शक्तिपात की पूरी ओशो की सारी किताबों में सिर्फ एक ही जिक्र है, मैंने सब पढ़ी नहीं, लेकिन एक ही जिक्र है शक्तिपात का, जो वास्तविक शक्तिपात होता है, और वो सिर्फ वही है विवेकानंद और रामकृष्ण वाला, सिर्फ एक ही जिक्र है। और वही शक्तिपात था कि एक गुरु भाव करता है अपने शिष्य के प्रति और पूरे तरीके से उसे उस ऊर्जा से भर देता है जो ऊर्जा उसके अंदर थी। और ये खेल यहाँ बहुत चले हैं, लेकिन कभी भी हमने इसका प्रचार नहीं किया। यहाँ तो होता है, यहाँ ये खेल खूब चले, अभी जल्द भी ये खेल घटा था, यहाँ के बच्चों को पता भी है उसका, लेकिन उसका प्रचार करने की किसी को कोई वो नहीं है। हम इसका बात नहीं करते, हम तो शक्तिपाद पे ज़्यादा भरोसा करते हैं। शक्तिपाद से आदमी रिलैक्स हो जाता है, शक्तिपात से आदमी बहुत तनाव से भर जाता है। अब यहाँ जैसे आपके पेट में गैस बन रही हो और हमारा वो मूली के पराठे बना दे तो शक्तिपात होता है। अच्छा, शक्तिपात जब होता है तो सबको पता लग जाता है। और ये यहाँ भरपूर होता है, संभलती नहीं पूरी रात। और शक्तिपात जिसको भी होता हो इसका मतलब उसकी पाचन क्रिया सही काम कर रही है, जिसको भी होता हो। और शक्तिपात पे यहाँ नाक बंद करने का रूल नहीं है, जबकि शक्तिपात पे बहुत रूल होंगे, वहाँ बहुत रूल होंगे। जब शक्तिपात होता हो शांत हो, चुप हो, नाचो कूदो, सब मनाओ, गले लगाओ, लेकिन यहाँ शक्तिपात पे कोई रूल नहीं है, बल्कि नाक पे रुमाल रखना और हाथ रखना अशोभनीय है। ये अशोभनीय कृत है कि किसी ने पादा और आपने उसका अपमान किया। सहज प्रक्रिया, हमारे थोड़ी कुछ चीज़ें हैं जिनका सहज सम्मान है, क्रोध का बहुत सम्मान है, मेरा सम्मान सब करते हैं यहाँ सेक्स का सम्मान है, कोई किसी का अगर किसी से प्रेम हो तो कोई बहुत झंझट नहीं है। यहाँ शक्तिपात का, सॉरी पाद, शक्तिपात का बहुत सम्मान है, कोई इसमें अड़चन नहीं है। यहाँ नींद का बहुत सम्मान है, कोई अड़चन नहीं है। यहाँ कोई व्यक्ति अगर काम कर रहा है तो उसका बहुत सम्मान है, कोई अड़चन नहीं है। यहाँ कोई व्यक्ति काम नहीं कर रहा उसका भी सम्मान है, कोई बहुत अड़चन नहीं। यहाँ अड़चन है जब आप असहज हो, यहाँ असहजता का ही जोर है और पूरी दुनिया में असहजता खो दी। मैं इस परिवार के संबंध में एक चीज़ तो चैलेंज करके कह सकता हूँ सबको, पूरी दुनिया को चैलेंज करके कह सकता हूँ, और इस परिवार के हर बच्चे को इस चीज़ पे नाज होगा कि हम यहाँ पे बुद्धत्व से लेके और शक्तिपात तक की चर्चा कर सकते हैं और बच्चों के सामने कर सकते हैं, कोई रुकावट नहीं। हम सेक्स पे भी चर्चा करते हैं, हर चीज़ पे चर्चा करते हैं, बच्चे भी बैठ के उतने ही भाव से सुनते समझते हैं जितने सब, और ये शायद किसी घर में नहीं चल रहा। यहाँ पे हम सब साथ में रहते हैं, एक छत के नीचे रहते हैं, लेकिन यहाँ पे
बहुत ज़्यादा कलेश नहीं, छोटी मोटी बात होती है, बहुत होती हैं वो होगी, वो भी बात होके बात पे ख़त्म हो जाती। हम सब यहाँ पे एक दूसरे के सहयोगी, यहाँ पे कोई भी मेरे ख्याल से ऐसा नहीं है जो दूसरे किसी के घर गया हो और रिश्ते नातों से परिचित हो, है कोई ऐसा? नहीं। यानी कि हम सब बिल्कुल इनसिक्योर प्लैनेट पे हैं, बिल्कुल बिल्कुल इनसिक्योर प्लैनेट में जी रहे हैं। और क्या ऐसा नहीं लगता कि इसी को कम्यून कहा गया था? क्या ओशो इसी को ही कम्यून की बात नहीं कर रहे थे? हाँ, यहां ओशो का फोटो नहीं, और सच कहें तो हमें जरूरत नहीं। क्या किसी को जरूरत है? क्योंकि यहां हम जीवंत जी रहे हैं उस चीजों को। और मुझे तो सच कहूं तो मैंने अपने जीवन में इससे कीमती चीज नहीं कमाई, इस परिवार से ज्यादा कीमती मेरे पास कुछ नहीं, ना मेरी कोई देशना है ध्यान की, थोड़ी बहुत जो देशना है या प्रचार है वो प्रचार सिर्फ इस चीज़ का थोड़ा बहुत है कि कुछ रोगी जो होते हैं जिनको डॉक्टर ठीक नहीं कर पा रहे हैं, मनोरोगी, उनको हम ठीक कर सकें, एंजाइटी डिप्रेशन जैसी चीज़ें जिस पे आज तक डॉक्टर कुछ नहीं खोज पाया, वो बिना दवाई के उनको ठीक कर रहे हैं, इसका थोड़ा सा प्रचार है, वो भी हम बहुत नहीं करते, सिर्फ उतना करते हैं जितनी पारिवारिक व्यवस्था के लिए हमें ज़रूरी होता है। मैं किसी भी प्रकार के धार्मिक धंधे के पक्ष में नहीं, धर्म का कोई धंधा नहीं, धर्म की तो एक ही मांग है, राजा प्रजा जय लचे शीश दय लय जाए, राजा प्रजा जय लचे, जिसको भी चाहिए एक ही सौदा है उसका, शीश दय लय जाए। बाकी किसी प्रकार का कोई सौदा धर्म का नहीं हो सकता, शीश दे ले जाए, और शीश का मतलब मैं वो सब मांग लूंगा जिस पे तुम्हें फक्र है, शीश का मतलब ये वाली गर्दन नहीं, शीश का मतलब जिस पे तुम फक्र करते हो मैं वही मांगूंगा। और जब तीन बातें कहता हूं तो तीन बातें बहुत मेरी उसमें कीमती है, कि लोभी से धन मांगता हूं, सन्यासी से मन मांगता हूं, स्त्री से तन मांगता हूं, और ऐसी भी एक स्त्री मिली जिसने तन तो दे दिया था लेकिन अपनी डिग्री नहीं दे सकती थी क्योंकि डिग्री से बड़ा प्रेम था, तो मैंने उसकी डिग्रियां मांग ली थी। तो उसने कहा मैं सब कुछ दे चुकी, आपको सब दे सकती हूँ लेकिन ये सर्टिफिकेट नहीं दे सकती। हमने कहा था सर्टिफिकेट जला देंगे, उन्होंने कहा सर्टिफिकेट नहीं दे सकती, तो हमने कहा मैं तुझे वो नहीं दे सकता, वही चीज़ मुझे चाहिए जिस पे तुम स्टैंड करते हो, वो चाहे अहंकार हो, चाहे तुम्हारा मन हो, चाहे तुम्हारा तन हो, जिस चीज़ पे तुम ऐठोगे हम वही ले लेंगे। तो राजा प्रजा जय रचे शीश दे ले जाए, इतनी सी खेल है, बाकी धर्म का कोई सौदा ना कभी हुआ है ना कभी हो सकता है, कोई उपाय ही नहीं। आज इतनी।